विंटर सीजन में कोई भी सेलिब्रेशन हो या पार्टी हो, गाजर का हलवा तो मस्ट होता है। गाजर का हलवा पार्टियों की शान होती है, तो आज वैसे ही पार्टी स्टाइल दानेदार डिलीशियस गाजर का हलवा हम घर पर आज बनाएंगे और आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। गाजर का हलवा तो हम सभी अपने घर पर बनाते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ, और वो भी बिना मावा, बिना कंडेंस्ड मिल्क वगैरह यूज़ किए हुए। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो गाजर, और गाजर हमें एकदम रेड वाले लेने हैं, और ये वाले गाजर ना विंटर सीजन में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लाल वाले गाजर। और लाल गाजर यूज़ करने से ना हलवा का कलर बहुत सुंदर आता है। तो सबसे पहले गाजर को मैंने अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद इसको छील लिया है, और छील करके गाजर को हम ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करने से हलवे का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। अगर आप ग्रेट करना ना चाहें तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं गाजर को, उसके बाद उसका हलवा बना सकते हैं, लेकिन ग्रेट किए हुए हलवे का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैं हमेशा गाजर को ग्रेट करके ही उसका हलवा बनाती हूँ। तो ये देखिए हमने गाजर को ग्रेट कर लिया है, और अब हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे। अब कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 3/4 कप यानी पौना कप घी। घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे, जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून आलमंड्स रफली चॉप किया हुआ, और 2 टेबलस्पून रफली चॉप किया हुआ काजू। इनको हम लो मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये थोड़े से क्रंची ना हो जाए। और जैसे ही हमारे काजू और बादाम हल्के से फ्राई हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, इसलिए किशमिश को हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून किशमिश मैंने ऐड कर दी है, और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और जब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तो अब हम इनको घी से निकाल लेंगे। आपको अगर इसमें से कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, या आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को घी से निकाल लिया है, और अब उसी घी में हम ऐड करेंगे 2 इलायची जिसको मैंने तोड़कर डाली है यहाँ पे, और 1 तेज़पत्ता इसको भी तोड़कर घी में ऐड कर देंगे। यहाँ पे इलायची और तेज़पत्ता पहले ऐड कर दिया है मैंने घी में, इससे हलवे में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हम सारा ग्रेट किया हुआ गाजर यहाँ पे घी में ऐड कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर आपको घी कम डालना है ना हलवे में, तो आप घी की मात्रा कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो ये देखिए मैंने गाजर को ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको थोड़े देर के लिए फ्राई करेंगे घी में जब तक ये थोड़ा सा रेड्यूस ना हो जाए, और उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए घी में फ्राई किया है मैंने गाजर को, और गाजर थोड़ा सा रेड्यूस हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैंने पैकेट वाला दूध यूज़ किया है, और जितना गाजर मैंने लिया था, मतलब 1/2 kg गाजर लिया था ना, तो 1 लीटर दूध हम डालेंगे। तो यहाँ पर जितना हम गाजर लेंगे उसका डबल हमें दूध लेना है। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, और अब इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने देंगे। तो ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे फ्लेम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पर हलवे को हम पकाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ी कढ़ाई ली है, क्योंकि अगर छोटी कढ़ाई में बनाएंगे ना तो ये दूध जो है ये उबल कर बाहर गिरने लगेगा, इसलिए हम बड़ी कढ़ाई में ही हलवा को बनाएंगे। अब हाई फ्लेम पर इसको बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। जैसे जैसे दूध रिड्यूस होता जाएगा हमारा गाजर भी पकता जाएगा, और इसी तरह से हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि जो दूध है ये तले में न लग जाए। इसलिए मैं इसको बीच बीच में कुछ इंटरवल्स पर चलाती रहती हूँ ताकि दूध जो है वो जल न जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध हमारा करीब करीब आधा रिड्यूस हो चुका है, और हलवा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप के लगभग चीनी ऐड की है। आप चाहें तो चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और धीरे धीरे चीनी इसमें घुल जाएगी, और ये हलवा थोड़ा सा पतला दिखने लगेगा। चीनी जब मेल्ट होगी ना तो हलवा थोड़ा सा पतला होगा, लेकिन इसको लगातार चलाते जाना है हमें जब तक कि ये हलवा थिक ना हो जाए। तो ये देखिए लगातार हाई फ्लेम पर चलाते चलाते ये हलवा कुछ इस तरह का हो गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हलवे के ऊपर घी भी आपको दिख रहा होगा, मतलब हलवा जो है वो घी को छोड़ने लगा है। अब इसी स्टेज पर हम हलवे में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के लगभग नींबू का रस। इसी से हमारा जो हलवा है ये दानेदार बनेगा, एकदम पार्टी स्टाइल का। जैसे मिल्क केक में हम नींबू का रस डालते हैं उसे दानेदार बनाने के लिए, वैसे यहाँ पे गाजर का हलवा को दानेदार बनाने के लिए मैंने नींबू का रस ऐड किया है। और लगातार चलाते जाएंगे जब तक कि ये हलवा ड्राई ना हो जाए, और इसके चारों तरफ घी रिलीज ना होने लग जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा जो है हमारा ड्राई हो गया है, तो इसमें जो ये तेज़पत्ता हमने ऐड किया था ना उसे निकाल देंगे, और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक कि इसमें से घी अच्छी तरह से रिलीज़ ना होने लग जाए। तो इस हलवे में हमें अलग से मावा
कंडेंस मिल्क वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना गाजर हमने लिया था उसका डबल यहाँ पे दूध लिया था हमने, और उसी दूध को गाढ़ा करके हमने ये गाजर का हलवा बनाया है। तो इसमें अलग से मावा वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दानेदार हमारा ये गाजर का हलवा तैयार हो रहा है, और आप देख सकते हैं साइड्स में घी भी अलग होने लगा है। तो अब इस हलवे में हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स जो हमने रखे थे, और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलवे में। ये जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे ना, ये हलवे का टेस्ट दुगना कर देते हैं। बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगते हैं हलवे के साथ। और साथ ही मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता भी ऐड कर दिया है, ये देखने में हलवे को काफ़ी सुंदर बना देता है। और अब ये हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है सर्व करने के लिए। तो आइए इसको बोल में सर्व कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों आपने, बहुत ही आसान तरीके से हमने पार्टी स्टाइल गाजर का हलवा तैयार किया है। अगर इस तरीके से आप भी बनाएंगे ना, तो आपका गाजर का हलवा बहुत ही दानेदार, बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म मुँह में घुल जाने वाला गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो आप भी इस लाजवाब डेजर्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।